दुनिया भर में कोरोना की वबा फैलती चली जा रही है पहली वेव ख़त्म हुई उसके बाद कोरोना ने थोड़ा सा रेस्ट लिया और उसके बाद अब दूसरी वेव आ गई है अभी तक कोरोना में तकरीबन इकहत्तर मिलियन लोग कोरोना से इफ़ेक्ट हो चुके हैं जिसमें से 46 मिलियन लोग रिकवर्ड हो चुके हैं अगर हम बात करें डेथ्स की तो सोलह लाख वन मिलियन लोगों की मौत हो चुकी है इसी करोना वायरस की वजह से अगर हम करोना वायरस को फ़्लू या फिर किसी भी चीज़ से तशबीदे हुई वो कम ना होगा कि 1920 में भी एक वायरस निकला था जिसने लाखों लोगों की जान ली थी ये वही वायरस इसी तरह का हर सौ साल में कहा यह जाता है कि ये वायरस आया है और इसने लाखों लोगों को सफाई हस्ती से मिटा दिया कि जैसे एक एंटी वायरस आता है और जितने भी गंद होता है दुनिया में यानी कि अगर हम उसको मिसाल ले लें कि जितने भी जिनका इम्यून सिस्टम ख़राब होता है वो लोग एक साथ तूल बतूल इस दुनिया से रुखसत होते हैं अभी एक नए इंकशाफात के मुताबिक कोरोना वायरस में सोलह लाख डेथ्स हुई हैं कोई मुल्क इल्ज़ाम लगाता है चाइना पे कि चाइना इसका क्रिएटर है कोई मुल्क इल्ज़ाम लगाता है कि यू एस इसका क्रिएटर है।, है, है आगे टू वर्ल्ड जनरेशन चल रही है कि जो मुल्क जिसके साथ है वो उसी पे इल्ज़ाम लगा रहा है आज से कुछ महीने पहले चाइना ने यह कहा था कि यह अमेरिका का क्रिएट किया हुआ वायरस है और यूएसए यह कहता था कि यह अमेरिका का नहीं चाइना का क्रिएट किया हुआ वायरस है यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी ये भी कहते रहे हैं कि दिस इज़ चाइनीस वायरस नॉट करोना वायरस यहाँ तक सिचुएशन ख़राब हो गई थी अगर हम डेथ्स की बात करें तो खाली इंडिया हमारे नेबर में पाकिस्तान ने तो इस पर खाली काबू पा लिया है इसको स्मार्ट लॉकडाउन को पाकिस्तान में लगाया गया था जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इसको सराहा जा रहा है बिल गेट्स तक ने कहा था कि इमरान खान का स्मार्ट लॉकडाउन का जो प्लान था वो कामयाब हुआ है अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में पिछले 24 घंटों में तकरीबन तीस हज़ार से ज़्यादा केस रजिस्टर्ड हुए हैं कोरोना वायरस के उसके बाद अगर डेथ्स की बात की जाए तो चार लोग एक दिन में फोत हुए हैं वहाँ पर अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट भी चल रहा है जिसकी वजह से और भी करोना वायरस की सिचुएशन ख़राब से ख़राब होती जा रही है जितने भी छोटे मुल्क हैं उनके लिए पुअर हेल्थ डिपार्टमेंट की वजह से वहाँ पर करोना वायरस का रुझान बढ़ता चला जा रहा है जिसकी वजह से वहाँ पर करोना के केसेस सामने आ रहे हैं साउथ कोरिया ने दुनिया में सबसे ज़्यादा टेस्ट करने वाला मुल्क था जिसकी जितनी जीडीपी डी पी थी उतना उसने उस पर काबू पा लिया अगर चाइना की बात की जाए साउथ कोरिया की बात की जाए लेकिन अमेरिका में ये चीज़ नहीं हो रही अमेरिका में पिछले 24 घंटों में तकरीबन तीन हज़ार अमवात हुई हैं और ये रिकॉर्ड बन गया दुनिया में सबसे ज़्यादा अमवात का रिकॉर्ड यू एस ए और उसके बाद इंडिया के पास चलाया गया चाइना ने जहाँ से ये कहा जाता था शुरू हुआ है वो काबू पा गए हैं लेकिन चाइना के नई साइंटिस्ट टीम ने एक इंकशाफ किया है उन्होंने कहा है कि जहाँ से ये वायरस स्टार्ट हुआ था वो जगह थी इंडिया मई और जून के दिनों में इंडिया में गंदे पानी की वजह से ये वायरस स्टार्ट हुआ था ये सबसे पहले जानवरों में आया जानवरों से कन्वर्ट होकर ह्यूमंस में आया और ये वुहान सूबे में इसलिए निकला क्योंकि जो इंडियन टूरिस्ट चाइना में आते थे वो वुहान में फिर उसने तूल पकड़ी और वो शदीद से शदीद तर होता गया वहाँ से फिर वुहान ने पूरी दुनिया को अपने चपेट में लिया और कहा यह जाता था कि ये वुहान की लेबॉरेटरीज में बनाया गया मैं इस पर पहले भी कुछ वीडियोस बना चुका हूँ आप जाके देख सकते हैं कि ये क्रिएट व... किया हुआ वायरस है या गॉड की तरफ से दिया हुआ वायरस है लेकिन अब वो टीम्स कह रही हैं जो इसका डी था वो कहाँ से आया वो इंडिया से आया और इंडिया के वो गंदे पानी की वजह से उनकी पुअर हेल्थ डिपार्टमेंट की वजह से वो अपना गंदा पानी सड़कों पे रख चुके हैं उसकी वजह से बैक्टीरिया क्रिएट हुए बैक्टीरिया क्रिएट होने की वजह से वो एनिमल्स में गया एनिमल्स से वो शिफ्ट हुआ इंसानों में इंसानों से वो शिफ्ट हुआ पूरी की पूरी दुनिया में और आज दुनिया में तकरीबन सोलह लाख अमवात का एक बहाना बना हुआ ये कोरोना अगर हम बात करें अमेरिका की अमेरिका लगाता रहा था इल्ज़ाम चाइना पे और चाइना लगाता रहा था अमेरिका पे इल्ज़ाम पहले चाइना ये बोलता था कि ये यू या ग्रीस से बना हुआ वायरस है या इटली से बनाया हुआ वायरस है यूरोपियन कंट्रीज पर इल्ज़ाम लगाते रहे अब यह इंकशाफ हो रहा है कि ये वायरस वुहान से नहीं इंडिया से आया हुआ है और उसमें पाकिस्तान के भी कुछ नॉर्दन इलाके शामिल हैं जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भी अपनी हेल्थ की वजह से इसको रोक नहीं सका जिसकी वजह से वुहान में चला गया इंडिया की पुअर हेल्थ परफॉर्मेंस की वजह से ये वायरस तूल पकड़ता जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि इस वायरस ने और भी नहीं जाने लेनी है जबकि सेकेंड वेव आई हुई है पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में लॉकडाउन दोबारा लग गया है पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा लगाने की कोशिश की जा रही है इंडिया में फार्मर्स का जो हो रहे हैं रोइट्स हो रहे हैं उसकी वजह से इंडिया में ये वायरस और भी ज़्यादा जा सकता है इंडियन गवर्नमेंट को ये चाहिए कि फार्मर्स के उनके हक अदा किए जाएँ जैसा वो चाह रहे हैं वैसा किया जाए क्योंकि वो लोग अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं और इंडिया के बॉलीवुड हो जाएं या हॉलीवुड जितने भी स्टार्स हैं वो इंडिया के फार्मर रॉयट्स के साथ खड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि फार्मर्स को उनका हक़ दिया जाए अगर ये जितने भी ये प्रोटेस्ट है फार्मर्स के वो ख़त्म हो जाते हैं तो काफ़ी हद तक इंडिया में इस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है कि अब जो ज़्यादा आने वाली स्टेज है कोरोना की उसको खत्म किया जा सके आपके नजरिए में जो इंडिया में जो फार्मर के प्रोटेस्ट हो रहे हैं उससे कोरोना वायरस कितना लिंक्ड हो सकता है और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और कमेंट जरूर करें अल्लाह हाफिज़